नमस्कार दोस्तों, मिस्टर एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम प्राचीन भारत से संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे जो कि ऑल गवर्नमेंट्स एग्जाम पंजाब और इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज हम 10वां पार्ट करेंगे जो कि है सल्तनत काल, जिसमें है पहला भाग दिल्ली सल्तनत। क्वेश्चन पहला है, गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण ग्रहण कर सुल्तनत कहलवाने वाला प्रथम शासक बना। बी महमूद गजनवी के सभी आक्रमणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था। सी सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025 ईसा से 26। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था। डी मध्य एशिया में एक बड़े राज्य साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अलबरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की। बी किताब उल हिंद। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी। बी फारसी। आगरा नगर की संस्थापना किसके द्वारा की गई। डी सिकंदर लोधी। निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगाना खेलते हुए हुई थी। ए कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। ए कुतुबुद्दीन ऐबक। तराइन की पहली लड़ाई निम्नलिखित में से किन के बीच हुई थी। बी मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान। निम्नलिखित में से किस खलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी। डी अलाउद्दीन खलजी ने। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। ए इल्तुतमिश की। मोहम्मद गोरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था। सी कुतुबुद्दीन ऐबक। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए। बी अलाउद्दीन खलजी। तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया। डी मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को। सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा सांकेतिक मुद्रा प्रचलित की। सी मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधियों का मिश्रण बताया। सी मोहम्मद बिन तुगलक। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था। बी इब्राहिम लोधी। इनाम भूमि किसे दिया जाता था। ए विद्वान और धार्मिक व्यक्ति। उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक या दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक थी। ए रजिया सुल्तान। दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया। सी अलाउद्दीन खलजी। यात्री इब्न तुता कहाँ से आया था। ए मोरक्को। भारत पर प्रथम तुगल आक्रमण करने वाला था। ए मोहम्मद गजनवी। निम्नलिखित में से कौन अपने को बुत शिकन कहता था। ए मोहम्मद गजनवी। मोहम्मद गजनवी ने कौन से उपाधि धारण किए। सी ए और बी दोनों। मोहम्मद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया। ए हिंदू शाही या ब्राह्मण शाही। हिंदू शाही राज्य की राजधानी थी। ए उद्भांडपुर
या आहूदी या बेहिंद। मोहम्मद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? बी, सही उत्तर है बी नहीं डी, जाट। हिंदू शाही राज्य का कौन सा शासक तुगलों से बार बार पराजित होने के कारण गलानीश्वर आत्मदाह कर लिया? ए, जयपाल। मोहम्मद गजनी किस वंश का था? ए, यामिनी। मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आने वाले इतिहासकारों में कौन शामिल नहीं था? ए, शाहनामा का लेखक फिरदोसी। मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया? ए, लाहौर। निम्नलिखित में से किसने ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला का अपने पति की चिंता के साथ शवत को जला देने के दर्शनों का भयानक चित्रण किया है? ए, इब्नत तुता। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है? ए, मोहम्मद गोरी। किसने इक्तादारी प्रथा चलाई? सी, इस्लुतुतमिश। लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? सी, कुतुबुद्दीन ऐबक। 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन था? बी, खान। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? सी, इल्तुतमिश। निमांकित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? ए, गियासुद्दीन तुगलक। पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने संस्थापित किया? बी, कलल। वह रोमन सम्राट आग्रसटम की भांति सावधान था कि वह दूसरों की तरह शक्तिशाली ना लगे और वह दूसरों के सम स्तर से अधिक ना लगे। यह संदर्भ किसका है? सी, बहलोल लोदी। अलबेरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? ए, मोहम्मद गजनवी। सुमिलित कीजिए, देख लीजिए गाइस। सही उत्तर है ए। निम्नलिखित में से कौन सा शासक दास या गुलाम राजवंश से संबंधित है? ए, इल्तुतमिश। दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्नतुता किसके शासनकाल में भारत आया था? सी, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? सी, 17 बार। किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? डी, मुबारक शाह खलजी। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? सी, बहलोल लोदी। भारतीय इतिहास में बाजार नियमों या मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? डी, अलाउद्दीन खलजी। राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? बी, अलाउद्दीन खलजी ने। अलबेरूनी द्वारा रचित पुस्तक किताब उल हिंद या तारीख उल हिंद में किस विषयों की समीक्षा की गई है? डी, इनमें से सभी। अलबेरूनी का पूरा नाम था? ए, अबू रेहान मोहम्मद। अलबेरूनी के अनुसार अत्यंज में शामिल थे? सी, ए और बी दोनों।
ग्यारहवीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? ए किताब उल हिंद, बे हिंद का युद्ध निम्नलिखित में किन के बीच लड़ा गया? ए मोहम्मद गजनवी और आनंदपाल। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी? सी अलाउद्दीन खलजी। सुल्तान अलाउद्दीन खलजी की बातत या के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक अलाउद्दीन खलजी ने अनाज के दाम नियत किए। अलाउद्दीन खलजी पहला सुल्तान था जिसने सैनिकों को नगद वेतन दिया। तीसरा अलाउद्दीन खलजी के शासनकाल में किसानों द्वारा दिए गए भू राजस्व का अंश फसल के आधे तक बढ़ा दिया गया था। डी सभी सही। दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने तैमूरी शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज्य में आना स्वीकार किया? सी खिरज खां सैयद। निम्न में से कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था? डी सिकंदर लोदी। निम्न में से कौन सा कथन रजिया सुल्तान के संबंध में अत्यंत असत्य है? डी रजिया ने सर्वप्रथम तुर्क सामंत वर्ग की शक्ति को सुदृढ़ता प्रदान करने की कोशिश की और गैर तुर्की शासक वर्ग को शक्तिहीन बना दिया। निम्न में से कौन सा कथन बलवन के संबंध में असत्य है? डी इनमें से कोई नहीं। दिल्ली पर शासन करने वाले निम्न वंशों का सही क्रम क्या है? प्रथम है गुलाम वंश, दूसरा है खलजी, तीसरा लोदी, चौथा सैयद, पांचवा है तुगलक। सही उत्तर है बी 1, 2, 5, 4, 3। मोहम्मद गोरी के आक्रमणों का निम्न में से कौन सा परिणाम नहीं हुआ? ए पंजाब से लेकर बंगाल तक फिर से उत्तरी भारत एक केंद्रीय सत्ता के अधीन हो गया। तुर्कों द्वारा राजपूतों को पराजित करने के निम्न में से कौन कारण थे? सी उत्तर है सही 1, 2 और 3। गुलाम वंश के आरंभिक शासकों का निम्न में से कौन सा सही अनुक्रम है? सही उत्तर है बी 1, 4, 2, 3। अलाई दरवाजा निम्न में से किसका मुख्य द्वार है? सी कुतुब मीनार। निम्न को सुमिलित करें। सही उत्तर है ए इब्राहिम लोदी के बारे में निम्न में से क्या सत्य नहीं है? सी महान निर्माता है, कला का पुजारी। अमीर खुसरू के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? ए 1, 2, 3, 4। दिल्ली सल्तनत के पतन के लिए निम्न में से कौन से कारण उत्तरदायी थे? ए 1, 2, 3 F3। निम्न में से किसका आक्रमण भारत पर किया गया तृतीय तुर्क आक्रमण था? बी मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी किस वंश का था? बी शस्वनी। मोहम्मद गौरी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता था? डी इनमें से सभी। मोहम्मद गौरी ने 1175 ईसा में भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के खिलाफ किया? ए मुल्तान करमाथी शासक। भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया?
सोल की शासक भीम दो, मोहम्मद गौरिया पृथ्वीराज चौहान के बीच विवाद के मूल में थे, ए बठिंडा, मोहम्मद गौरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण था, सी तराइन का द्वितीय युद्ध, मोहम्मद गौरी एव कनौज के राजा जय चंद के मध्य 1194 ईस्वी में हुआ युद्ध किस नाम से प्रसिद्ध है, सी चंद्रावर का युद्ध, मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ, डी पंजाब के खोखर। तराइन का द्वितीय युद्ध ऐसा निर्णायक युद्ध समझना चाहिए जिसमें भारत पर मुसलमानों की आधारभूत सफलता निश्चित कर दिया। बाद में होने वाले आक्रमण इसके परिणाम मात्र थे, यह किसका कथन है, ए वी ए सिमथ, मोहम्मद गौरी के किस सेनापति ने बिहार विजय, बंगाल विजय एवं असम पर आक्रमण किया, बी इकत्या इकात्रुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार रार खलजी। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है, परंतु भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है, ए कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था, ए रामचंद देव। जब उसने राजतव प्राप्त किया तो वह शख्सियत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। वर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा, सी अलाउद्दीन खलजी सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी था, ए चौधरी। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य संस्थापित हुआ, बी सैयद वंश। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे, डी फिरोज तुगलक। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया, सी फिरोज तुगलक। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए, बी फिरोज तुगलक। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का क्या कारण है, ए मुसलमान, तबकांत ए नासिरी क्या लेखक कौन था, सी मिनहाज उस सियाज। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया, सी अलाउद्दीन खलजी। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी, ए लाहौर। अलाउद्दीन खलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई, ए जफर खान। निम्नलिखित में कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले करों को एगित करता है, सही उत्तर है डी 1-3-4। तुगलकनामा के रचनाकार का नाम है, सी अमीर खुसरू। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अंकता प्रदान किया था, बी कुतुबुद्दीन ऐबक। किस सुल्तान के काल में खालिस्सा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई, बी अलाउद्दीन खलजी। सल्तनत काल के सिक्के टका शशकनी एव जितल किन धातुओं के बने हुए थे, ए चांदी चांदी तांबा। अमीर कोही नामक एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था, सी मोहम्मद बिन तुगलक। अमीर खुसरूक ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई, सी खड़ी बोली। तैमूर लंग के किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया, डी नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। सल्तनत काल की दो प्रमुख मुद्राओं का पता निम्नलिखित कूट से करें,
पहला है दाम, दूसरा है जितल, तीसरा है रुपया, चौथा है टका। सही उत्तर है डी, 2 और 3, 2 और 4। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया, सी तुर्कों ने। किसने एक तरफ मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए, बी मोहम्मद गजनवी। अलाउद्दीन खलजी के निम्न सेना अध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना, ए गाजी मलिक। जवाब वीती थे बी राज्य कानून। निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत विराजता का चरमोक आकर्षक हुआ, सी तुगलक। कथन ए, अलाउद्दीन के दक्षिण अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे। कारण आर, वह दक्षिणी राज्यों को कब्जे में करना चाहता था। सही उत्तर है सी, ए सही है किंतु आर गलत है। सूची एक तथा सूची दो का सुमिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है ए। देख लीजिए गाइस, सही उत्तर है ए। तौर की सबसे छोटी इकाई कौन है, ए रत्ती। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरू दरबार में रहे, सी मोहम्मद बिन तुगलक के। किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण की दिया है, सी इब्न बतूता। तैमूर लंग ने किस वंश में भारत पर आक्रमण किया, सी 1492 ईस्वी। दिल्ली के किस मुस्लिम शासक ने निर्धन पर, इतिहासकार बंदा यूनिक ने कहा, राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिले। सही उत्तर है बी, मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली के सुल्तान बलवन का पूरा नाम डैश बलवन था, सी गयासुद्दीन। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने विरोध किया, बी अलाउद्दीन खलजी। दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसिया वास्तुकला शैली का उदाहरण है, सी हमाऊ का मकबरा। दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवान ए खेतार संस्थापित किया, वह था बी फिरोज तुगलक। निम्न में से किस संगीत वाद को हिंदू मुस्लिम गान वादों का सर्वश्रेष्ठ मिश्रण माना गया है, डी सितार। नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे, डी अमीर खुसरू। अनुकूल परिस्थितियां मौजूद होने के बावजूद गुलाम वंश के शासक भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए, इसका मूल कारण क्या था, डी मंगोल आक्रमण का भय था। निम्नलिखित में किसने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की, सी अलाउद्दीन खलजी। सिक्कों पर अलीफा का नायब खुदवाने वाला भारत का प्रथम सुल्तान था, सी फिरोज शाह तुगलक। सैयद उस सलानती की उपाधि किसने धारण की, डी फिरोज शाह तुगलक। निम्नलिखित में से किसे कुरान खफा भी कहा जाता था, ए कुतुबुद्दीन ऐबक। किस सल्तनत कालीन शासक को मिनहाज ने
हाथी माई दो ही संज्ञा दी। ए मोहम्मद दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक सॉरी। ढाई दिन का झोंपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? बी कुतुबुद्दीन ऐबक। निम्नलिखित में से कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? ए चगेज खां। निम्नलिखित में किसे बगदाद के खलीफा ने मंशूर प्रदान किया? बी इतलुतमिश। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने ओ आब्द के आर्थिक महत्व को समझा? बी इल्तुतमिश। हिंदी की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में कौन सा एक सही काल अनुक्रम है? सी बहलोल लोदी, सिकंदर शाह, इब्राहिम लोदी। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? सी नासिरुद्दीन मोहम्मद। मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? डी फिरोज तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग दीवान ए बदगान संस्थापित किया। कथन ए मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली छोड़ने के बाद दो वर्ष तक स्वर्गदारी नामक शिविर में रहा। कारण आर उस समय दिल्ली एक प्रकार के प्लेग से बर्बाद हो गई थी और बहुत से लोग मर गए थे। सही उत्तर है ए। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। चगेज खां के अधीन मुगलों के ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? सी इल्तुतमिश। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही रूप में सुमिलित है? ए दीवान ए बदगान तुगलक। सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ था। सी इकतादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अधिशेष राशि। दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है वह था? सी फिरोज शाह तुगलक। कथन ए प्रारंभ में भारत में तुर्की प्रशासन सैनिकीय प्रधान था। कारण आर अग्रणीय सैनिक नायकों के बीच देश को एकता के रूप में खंडन विभाजित कर दिया गया था। सही उत्तर है ए आर। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलवन ने भय उपाधि धारण की। सी जिल ए इलाही। निम्नलिखित में से किसने भारत का सबसे पुराना मकबरा नासिरुद्दीन मोहम्मद का मकबरा सुल्तानगढ़ी या दिल्ली का निर्माण करवाया और मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता होने का गौरव पाया? सी इल्तुतमिश। इल्तुतमिश द्वारा बनवाया गया अतारकीन का दरवाजा जो कि अकबर के मुलंद दरवाजा का प्रेरणा स्रोत बना स्थित है। डी नागौरा या जोधपुर में। किसने 40 तुर्की सरदारों को लेकर तुर्कान ने चिलगानी या चालीसा दल का गठन किया? बी इल्तुतमिश। निम्नलिखित में से कौन राजदरबार में बलवन का सर्व प्रमुख प्रतिदयी था? ए इमामुद्दीन रेहान। निम्नलिखित में से किसने चहलगानी या चालीसा दल का पूर्णतया सफाया कर दिया? ए बलवन। किसके राज्यकाल में लखनौती में तुगरील खां का विरोध और दमन हुआ? बी
बलवन। बलवन ने विद्या विभाग से अलग कर एक पृथक संस्था के रूप में सैन्य विभाग की संस्थापना की, जिसका उद्देश्य था सी ए और बी दोनों। किसने राज दरबार में सिजदा एवं पावोस की परिपाटी चलाई? बी बलवन। बलवन ने अपने को कुलीन साबित करने के लिए शाहनामा में वर्णित किस प्रसिद्ध तुर्की योद्धा का वंशज होने का दावा किया? ए अफरसियाव। वह अत्यंत गंभीर मुद्रा में दरबार में बैठा था। दरबार में वह ना तो खुद हंसता था और ना ही किसी को हंसी मजाक या फालतू बात करने की इजाजत देता था। यह उक्ति किससे संबंधित है? बी बलवन। निम्नलिखित में किसने कैलुगड़ी के राजमहल में अपना राज्याभिषेक किया और उसे अपनी राजधानी बनाई? बी जलालुद्दीन फिरोज खलजी। जलालुद्दीन फिरोज खलजी के शासनकाल में घटी घटनाएं थी? डी उपरोक्त में से सभी। दक्षिण पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण देवगिरी के यादव शासक रामचंद्र पर किया गया आक्रमण किसके समय में हुआ? ए जलालुद्दीन फिरोज खलजी। राज्य की व्यय से संबंधित विभाग दीवान ए वकूफ सर्जित करने का श्रेय दिल्ली के किस सुल्तान को है? बी जलालुद्दीन फिरोज खलजी। अलाउद्दीन खलजी का मूल नाम था? ए सही उत्तर है सी अली गुरशार्स। अलाउद्दीन खलजी के सेनापतियों के नेतृत्व में गुजरात विजय अभियान के क्रम में खंबात से किसे खरीदा गया जिसने बाद में दक्षिण भारत की विजय नेतृत्व किया? ए मलिक काफूर। मलिक काफूर को हजार दिनारी कहा गया क्योंकि ए उसे हजार दिनार में खरीदा गया। अलाउद्दीन खलजी के समय में मलिक काफूर के नेतृत्व में दक्षिण अभियान किया गया। इस अभियान में पराजित राज्यों का क्रम था ए देवगिरी बारागर गल होलसल मदुरा। अलाउद्दीन खलजी ने कहाँ के शासक को 6 महीने तक राजधानी दिल्ली में रखा? राय रियान की उपाधि दी तथा गुजरात का नरसारी जिला उसके राज्य में शामिल करवाया दिए? ए देवगिरी के शासक रामचंद्र को। दक्षिणी अभियान के क्रम में किसने मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्रदान किया? मलिक काफूर ने यह हीरा सुल्तान अलाउद्दीन खलजी को भेंट कर दिया। बी प्रताप रुद्र देव। किसने कहा था मैं ऐसे आदेश देता हूँ जो राज्य के लिए इतकर है? मैं यह नहीं चाहता कि षड्यंत्र में इसकी इजाजत है या नहीं? ए अलाउद्दीन खलजी। अलाउद्दीन खलजी ने किसके कहने पर सिकंदर महान के समान विश्व विजय की योजना को त्याग दिया? ए अलाउल मुल्क। किसने 4 अध्यादेश जब्ती गुप्तचर प्रणाली का गठन दिल्ली में मध निर्देश अमीरों के मेल मिलाप पर पाबंदी जारी किए? बी अलाउद्दीन खलजी। किस सुल्तान ने एक नया मंत्रालय दीवान ए रियासत की संस्थापना की? ए अलाउद्दीन खलजी। किसने सैन्य शासक के क्षेत्र में दाग एवं हुलिया का प्रचलन किया? बी अलाउद्दीन खलजी। किस सुल्तान ने सैनिकों को भू
अनुदान के स्थान पर नगद वेतन देने की प्रथा चलाई? ए अलाउद्दीन खलजी, यक अस्पा दो अस्पा प्रथा का प्रारंभ किया। ए अलाउद्दीन खलजी ने। अलाउद्दीन खलजी के राज्यसभा प्रणाली के सुधार में के संबंध में कौन सा या से कथन सही है या है? सही उत्तर है बी 1 2 3 F 4। सरा ए अलद निमित लिखित में से किसका बाजार था? बी वस्त्र एवं अन्य वस्तुओं का। दिल्ली स्थित सीरी का किला, हजार सतून, महाराजा महल के निर्माण का श्रेय किसे है? सी अलाउद्दीन खलजी। किसने रसम ए मियान व तरीक ए इत्तदाल नाम से राज्यसभा सुधार की व्यवहारिक नीति अपनाई? ए गियासुद्दीन तुगलक। कौन से सुल्तान की मृत्यु अफगानपुर या तुगलावाद में लकड़ी से बने स्वागत भवन के गिरने से हुई? बी गियासुद्दीन तुगलक। नहर निर्माण करने वाले दिल्ली का प्रथम सुल्तान था? ए गियासुद्दीन तुगलक। सुल्तान बनने के पूर्व किसका नाम जोना खां था? बी मोहम्मद बिन तुगलक। किसके शासक बनने के उपलक्ष्य में अपना उपनाम अबुल मजाहिद रखा? बी मोहम्मद बिन तुगलक। सूची एक एवं सूची दो से सम्मिलित करें। सही उत्तर है ए मेरा सारा राज्य बीमार पड़ गया है, यदि मैं एक स्थान पर व्यवस्था संस्थापित करता हूँ तो दूसरे स्थान पर गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है, यदि मैं दूसरे स्थान पर ठीक करता हूँ तो तीसरे स्थान पर हलचल होने लगती है, यह उक्ति किसकी है? बी मोहम्मद बिन तुगलक। किसके राज्यकाल में सादा अमीरों का विद्रोह हुआ जिसकी चरम परिणति 1347 ईस्वी में बहमनी राज्य की संस्थापना हुई? बी मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई? ए थट्टा में। राज्य शेखर एवं जिन प्रथा सूरी जैसे जैन विद्वानों को किस सुल्तान ने राज्य की संरक्षण दिया? सी मोहम्मद बिन तुगलक। किस सुल्तान ने 24 कष्टदायक करों के स्थान पर केवल 4 कर लगाए? सी फिरोज खां तुगलक। निम्नलिखित में से किसने सेना को नगद वेतन देने की प्रथा समाप्त कर वहेज या इतलाक के माध्यम से वेतन भुगतान का आदेश दिया? सी फिरोज तुगलक। किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी? सी फिरोज तुगलक। किस सुल्तान ने हासिल ए शर्ब या हक ए शर्ब नामक एक नया कर लगाया? ए फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक द्वारा संस्थापित दार उल शफा क्या था? बी एक खैराती हस्पताल। किसने भूमि मापने का पैमाना गज ए सिकंदरी का प्रचलन किया? ए सिकंदर लोधी। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी? ए मोहम्मद गौरी। रजिया बेगम को सतायुक्त करने में किसका हाथ था? ए तुर्कों का। प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें हमारा सही उत्तर है बी केवल 1 और 3। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था? बी फिरोज तुगलक ने। चगेज खां का मूल नाम था? सी तैमुचिन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।